नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। गरुड़ पुराण में जीवन जीने की शैली के साथ साथ जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक नियम भी बताए गए हैं। इसमें नीति, नियम, सदाचार, ताप, वैराग्य, दान आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ऐसे 5 नियम भी बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति के घर में सदैव कामयाबी आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इंसान के जीवन के कल्याण के लिए बहुत सारी बातें और नियम बताए गए हैं। गरुण पुराण में ऐसे 5 नियम बताए गए हैं जिनको करने से घर में कामयाबी आती है। अगर व्यक्ति इन नियमों का पालन करे और अपने जीवन में उतारे तो जीवन की तमाम मुश्किलों से बच सकता है और कठिन समय को भी आसानी से पार कर सकता है। आइए जाने इन 5 कामों को। पहला, कुल देवता का पूजन और श्राद्ध। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करीब करीब सभी परिवारों में कोई ना कोई कुल देवता या कुल देवी जरूर रहती हैं। इन्हें परिवार का आराध्य देव माना जाता है। पारिवारिक सदस्यों के द्वारा किसी तिथि पर इनका पूजन जरूर किया जाना चाहिए। इससे कुल देवता खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप उनका परिवार सदैव फलता फूलता रहता है। इसके अलावा पितरों को भी तृप्त रखना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख संपन्नता व्याप्त रहती है और पूरा परिवार फलता फूलता है। मान्यता है कि जिस घर में ये 2 काम नहीं होते वहां आए दिन कोई ना कोई संकट आता है और जीवन कष्टदायी होता है। दूसरा, भगवान को भोग लगाना। जिस घर में भोजन बनने के तुरंत बाद भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं उस घर में कभी भी अन्न का संकट नहीं आता, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद सारा भोजन भगवान का प्रसाद बन जाता है और इस प्रसाद को सभी पारिवारिक सदस्य आदर भाव से ग्रहण करते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। तीसरा, अन्नदान करना। कहा जाता है कि अन्नदान महादान है। जिस घर में जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान किया जाता है वहां हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। अन्नदान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। परिवार पीढ़ियों तक खूब तरक्की होती है। चौथा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन। धर्म ग्रंथों को पूजनीय माना गया है क्योंकि ये धर्म ग्रंथ व्यक्ति को कल्याणकारी पथ की ओर ले जाते हैं। पांचवा, साधना। हिंदू धर्म शास्त्रों में तप साधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। साधना के द्वारा व्यक्ति अपने मन और अंतरात्मा तक पहुंच सकता है। इससे व्यक्ति कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।